अव्वल की अंग्रेजी की दर्जी किताब यूनिट नंबर 5.6 ऑड मैन आउट इस सबक को समझते। लुक एट द पिक्चर, टेल द इंग्लिश वर्ड, फाइंड द ऑड मैन आउट। यानी कि तस्वीर को देखिए, अंग्रेजी के अल्फाज को बोलिए और गैर मुतलिक अल्फाज की शनाख्त कीजिए। द वर्ड विच बिगिंस विथ ए डिफरेंट साउंड, यानी कि लफ्ज जिसकी शुरुआत मुख्तलिफ आवाज से होती हो, जैसे कि कॉक, पैरोट, कैट, कैप। कॉक सी से शुरू होता है, कैट सी से शुरू होता है और कैप सी से शुरू होता है, मगर पैरोट पी से शुरू होता है। तो पैरोट ऑड मैन आउट यानी कि गैर मुतलिक लफ्ज है, आप इसे सर्कल कीजिए। इसी तरह डॉल, डॉक्टर, टेबल और डॉग है, तो डी से डॉल शुरू होता है, डी से डॉक्टर शुरू होता है, टेबल टी से शुरू होता है और डॉग डी से शुरू होता है। तो टेबल जो है इसकी आवाज़ टी से शुरू होती है, तो ये गैर मुतलिक लफ्ज है टेबल, यानी कि ऑड मैन आउट है, आप टेबल को सर्कल कीजिए। प्यारे बच्चों, इसी तरह एक और मिसाल हम लोग देते हैं, फिश, फैन, फ्रॉग और पॉट। यहाँ पर आप देखते हैं कि फिश एफ से शुरू होता है, फैन एफ से शुरू होता है, फ्रॉग एफ से शुरू होता है, मगर पी से पॉट शुरू होता है। तो यहाँ पर जो पॉट है वो गैर मुतलिक लफ्ज है, यानी कि ऑड मैन आउट है, तो आप पॉट को सर्कल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपकी दर्सी किताब के पेज नंबर 44 की दूसरी एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर, टेल द इंग्लिश वर्ड्स, फाइंड द ऑड मैन आउट। तस्वीर को देखिए, अंग्रेजी के अल्फाज को बोलिए और गैर मुतालिक लफ्ज यानी ऑड मैन आउट की शनाख्त कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपकी दर्सी किताब के पेज नंबर 44 पर नेट, हैंड, बोट और कैट की तस्वीर दी हुई है। यहाँ पर नेट जो है वो टी पर ख़त्म होता है, अंग्रेजी का वर्ड। हैंड जो डी पर ख़त्म होता है और बोट भी टी पर ख़त्म होता है, कैट भी टी पर ख़त्म होता है, इसलिए हैंड जो है वो ऑड मैन आउट है, यानी कि गैर मुतलिक लफ्ज है, तो आप इसे सर्कल कीजिए। इसी तरह यहाँ पर प्यारे बच्चों, हम दूसरी मिसाल लेते हैं, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, ऑक्स यानी कि बैल, बॉक्स यानी कि संदूक, फॉक्स यानी कि लोमड़ी और कॉक यानी कि मुर्गा। यहाँ पर ऑक्स ये जो है वो एक्स पे ख़त्म हो रहा है और बॉक्स का आखिरी लेटर एक्स है, इसी तरह फॉक्स का जो आखिरी लेटर आखिरी हर्फ वो जो एक्स पे ख़त्म हो रहा है और कॉक जो है वो के पे ख़त्म हो रहा है, तो कॉक जो है वो ऑड मैन आउट है, यानी कि गैर मुतालिक लफ्ज है, आप इसे सर्कल कीजिए। प्यारे बच्चों, इसी तरह हम आपकी दर्सी किताब के सफ़ा नंबर 44 पर एक आखिरी मिसाल हल करने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। बुक, फ्रॉक, डॉग और बैग। यहाँ पर फ्रॉक जो है वो जी पर ख़त्म हो रहा है, डॉग यानी कि कुत्ता वो जी लेटर पर ख़त्म हो रहा है और बैग वो जी लेटर पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन बुक जो है वो केफ पे ख़त्म हो रहा है, तो बुक जो है वो ऑड मैन आउट है, उसके डिफरेंट साउंड्स है और ये गैर मुतलिक लफ्ज़ है, तो आप बुक को सर्कल कीजिए।